नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं काजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मेडिकली स्पीकिंग में। दोस्तों, मॉनसून आते ही लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉनसून सबका फेवरेट होता है। मॉनसून आते ही हम सभी को गर्मी से राहत मिल जाती है, लेकिन दोस्तों बारिश का मौसम आते ही कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें से एक है डेंगू। राजधानी दिल्ली NCR सहित कई अन्य राज्यों में पिछले 15 दिनों में डेंगू के मरीज बढ़े हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं जिस तरह से पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हैं, इससे डेंगू सहित अन्य मच्छर जनित रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जुलाई के महीने तक देश में डेंगू के 136 मामले रिपोर्ट किए गए। अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि ज्यादातर लोग ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं डेंगू के मामले हल्के और गंभीर लक्षणों वाले हो सकते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं, जिसे खतरनाक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लेटलेट्स होते क्या हैं? डेंगू में ये कम क्यों होने लगती हैं और इसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स हमारे रक्त में छोटे रंगहीन कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं जो थक्के बनाते हैं और रक्त स्त्राव को रोकते हैं। प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो में बनते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट काउंट 150,000 से 450,000 प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर ब्लड तक होती है। 450,000 से अधिक प्लेटलेट्स होने को थ्रोम्बोसाइटोसिस और इसकी मात्रा 150,000 से कम होने को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि प्लेटलेट्स कम होने के क्या कारण हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने के मुख्य रूप से तीन कारण हैं। पहला, हमारे बोन मैरो स्प्रेस हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटलेट उत्पादन में कमी आती है। दूसरा, डेंगू वायरस से प्रभावित रक्त कोशिकाएं प्लेटलेट्स को क्षति पहुंचाकर उन्हें नष्ट करने लगती हैं। तीसरा ये कि इस दौरान बनने वाली एंटीबॉडीज से भी प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण डेंगू के मामलों में उल्टी या शौच के साथ खून आने की समस्या हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं डेंगू बुखार के मौसम के दौरान सभी लोगों को अपने प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि डेंगू बुखार में अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो क्या करें। दोस्तों, डेंगू बुखार के रोगी को अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। डॉक्टर दवाओं के माध्यम से इसमें सुधार करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3, विटामिन, आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर चीजों का सेवन बढ़ाने से आपको लाभ मिल सकता है। डेंगू रोगियों को अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ, फलों के जूस, नारियल पानी की सेवन करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी हेल्दी टिप्स के लिए बने रहें मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।